हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीलॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों से हम शिमला हिल स्टेशन आए हैं और यहाँ पे हमने कुछ रेस्टोरेंट्स और यहाँ के कुछ साइटसीइंग पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सभी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो शिमला का सबसे ओल्ड और फेमस फूड जॉइंट है वो कवर करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आप टूरिज्म लिफ्ट से जो शिमला में है उससे आप मॉल की तरफ कैसे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शिमला का जो मॉल रोड है ये बहुत ही सुंदर जगह है और जो टूरिस्ट है शिमला में आते हैं वो मॉल रोड ज़रूर विज़िट करते हैं। पर आप जैसे जानते हो मॉल रोड पे टैक्सी या व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो इसके वजह से वो पूरा मॉल रोड आपको चल के देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉल रोड को जाना चाहते हैं तो आप आपकी गाड़ी से भी वहाँ पे जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको जो टैक्सी स्टैंड है या पार्किंग स्पेस है लिफ्ट के पास वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो आप किसी के लोकल को पूछ लोगे तो वो आपको वो जगह दिखा देंगे, आप वो लिफ्ट तक चले जाना और वहाँ पर आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। रोड के ऑपोजिट वहाँ पर पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। और अगर आप हमारे जैसे कैब या टैक्सी से वहाँ पे जा रहे हैं तो वो आपको डायरेक्ट लिफ्ट के सामने ही छोड़ देंगे। और ये जो लिफ्ट है ये ओल्ड बस स्टैंड रोड या कार्ट रोड पे लोकेटेड है, जस्ट नेक्स्ट टू होटल क्रिस्टल पैलेस। और जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आप लिफ्ट के टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं एंड द कॉस्ट इज़ ₹10 पर पर्सन। और अगर आपके साथ लगेज है तो लगेज का भी कॉस्ट है ₹10 पर बैग और सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज़ ₹7। सो जो कार्ट रोड से लिफ्ट जाती है और मॉल रोड की तरफ वो दो है, तो आपको यहाँ पे दो बार लिफ्ट चेंज करनी पड़ती है, पर टिकट आपको एक ही बार लेना पड़ता है ₹10 का। सो जैसे ही आप पहले लिफ्ट से बाहर आते हो तो आपको थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको दूसरी लिफ्ट मिलती है टू मॉल रोड। और यहाँ का जो टाइमिंग है इट इज़ मॉर्निंग 8 o'clock से लेके शाम के 10:30 तक और सैटरडेज़ को इट इज़ ओपन टिल 11 इन द इवनिंग। फ्रेंड्स, इस लिफ्ट के वजह से आपका काफ़ी टाइम और एफर्ट्स बच जाते हैं, बिकॉज जो लोअर शिमला से अगर आपको अपर शिमला जाना है या मॉल रोड जाना है तो एक वो थोड़ा सा लॉन्ग अपहिल क्लाइंब है, पर अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो आपको थोड़ा कम चलना पड़ता है। और इस लिफ्ट से जैसे ही आप बाहर आ जाओगे तो आप मॉल रोड पे पहुंच जाते हो, जस्ट ऑपोजिट होटल सम्राट रीजेंसी। और फ्रेंड्स, मॉल रोड में जब आप आते हो तो वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बहुत टेस्टी फूड एंजॉय कर सकते हैं, या आप कोई भी कैफ़े में बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हुए यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे बहुत शॉपिंग कर सकते हो, अलग अलग टाइप के बेकरी आइटम्स ट्राई कर सकते हो, या आप यहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स वगैरह है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यू रियली एंजॉय। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जो शिमला में काफ़ी पुराना है, पर उनका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जैसे ही आप लिफ्ट से चलते हुए आराम से रिज तक पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आप रिज पे एंजॉय कर सकते हो। और इससे आगे जाके आप लक्कड़ बाज़ार जा सकते हो। और ये जो फूड जॉइंट है ये लक्कड़ बाज़ार में सिचुएटेड है और इसका नाम है सीताराम एंड सन्स। सीताराम एंड सन्स एक छोटा सा फूड जॉइंट है शिमला में और ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड जॉइंट इन शिमला। और फ्रेंड, जब भी आप शिमला विजिट करोगे इस फूड जॉइंट को डेफिनेटली विजिट करना, इट इज़ अ मस्ट ट्राई, क्योंकि जो यहाँ के जो 2-3 डिशेज है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड आई एम श्योर यू विल रियली लाइक देम। और यहाँ का जो छोले और लूची है वो इतना ज़्यादा टेस्टी है कि ये लोग जो शॉप है वो सुबह 10 बजे खोल देते हैं पर दोपहर तक उनका 3-4 बजे तक खाना पूरा ख़त्म हो जाता है एंड दे क्लोज डाउन अराउंड 3-4 इन द आफ्टरनून। यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 टाइप के डिशेस मिलते हैं, जैसे कि चना लूची, चना टिक्की या चना कुलचा, और रेट भी काफ़ी कम है बट क्वांटिटी भी अच्छी है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय द फूड आउट हियर बिकॉज द टेस्ट इज़ वेरी वेरी नाइस। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ का खाना इतना टेस्टी है, इसके वजह से काफ़ी लोग आते रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ क्राउडेड।
तो फ्रेंड्स, जब भी आप शिमला विजिट करोगे तो आप इस फूड जॉइंट को ज़रूर विजिट करना और उनका जो टेस्टी चना लूची है वो ज़रूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड यू विल डेफिनेटली प्लान अ विजिट टू सीतारामम सैंड्स व्हेन इन शिमला। डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।